हेलो फ्रेंड्स, अगर क्लॉक वॉल्ट ऐप से अगर आपका फोटोज़ और वीडियोस डिलीट हो गया तो आप लोग कैसे उसे वापस लेकर आओगे, मैं इसी वीडियो में आप लोगों को पूरा लास्ट तक बताने वाला हूँ। ये दोनों ऐप अगर आपने यूज़ किया है, इसका फोटोज़ और वीडियोस डिलीट हो गया तो कैसे आप लोग वापस लाएंगे, चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल फ़ोन में, जैसे कि आप लोग आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। डिस्क डिगर इसका नाम है, आपको इसे डाउनलोड करना होगा और सिंपली इसे क्या करना होगा, अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद आपको इसमें क्या करना है, मैं आगे का प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊँगा। अब वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बताते हैं कैसे आप इसमें से वीडियोस और फोटोज़ को वापस लेकर के आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। हम इसे ओपन कर लेते हैं और उसको उसके बाद यहाँ पे बेसिक जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, स्टार्ट बेसिक फोटोज़ स्कैन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली सारे फोटोज़ और वीडियोस को बैकअप करना शुरू कर देगा। ध्यान रहे, जो ईमेल आईडी पहले जिस मोबाइल फ़ोन में था वो ईमेल आईडी इस मोबाइल फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए, तो ही यहाँ पे आपका यहाँ पे जो भी है आपको डाउनलोड होना शुरू हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे वो ईमेल आईडी को मोबाइल फ़ोन में एक बार लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा 27 जितना रिकवर फाइल हो चुके हैं, यहाँ पे आपको ओपन शो कर रहा है स्कैन कम्प्लीटेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हो रिकवर हो चुके हैं सारे। तो हम यहाँ पे रिकवर वाले बटन पे क्लिक करके सारे को सारे रिकवर कर सकते हैं। उससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक एक करके सब सबको सिलेक्ट करना होगा, या फिर आप डायरेक्ट पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। 3 डॉट पे क्लिक करके सारे को एक साथ ही आप सिलेक्ट कर सकते हो सिंपली, जैसे कि आप लोग मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सिलेक्ट करके उसके बाद आपको रिकवर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सेकंड वाले फाइल को चूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी फोल्डर को चूज़ करके उसमें पेस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी एक फोल्डर ले लेता हूँ, उसमें आपको पेस्ट कर देना। अगर आप चाहें तो नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, आपके मर्ज़ी के पे है, ठीक है। आप जैसा चाहो वैसा यहाँ पे कर सकते हो। हम यहाँ पे किसी पे भी एक में यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हमारा हो चुका है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे शो भी कर देगा कि आपका रिकवर हो चुका है, पूरा कंप्लीटेड है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना हो जाने के बाद आपको सारे फोटोज़ वीडियोज़ आपके सारे आपके जो है गैलरी में चले जा चुके हैं। अब आपको आप MP4 मतलब कि आपका वीडियोज़ कैसे वापस लेकर के आना है, तो उसके लिए आपको एक और ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। तो वो एप्लीकेशन को हम लोग डाउनलोड करते हैं, चलते हैं हम लोग प्ले स्टोर पर, उसके बाद हम लोग उस एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एप्लीकेशन सर्च करेंगे, डिलीटेड वीडियो रिकवरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ये एक एप्लीकेशन आ जाएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 4.0 रेटिंग है इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 मिलियन प्लस इसका डाउनलोड है, ठीक है। बहुत ईजी है इसको यूज़ करना, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी बताऊँगा, आप वीडियो क्लास तक बने रहें, ठीक है। तो इसे हम सिंपली ओपन कर लेते हैं, आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद इसे ओपन कीजिएगा। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना हो, कोई भी ये परमिशन मांगेगा ये ऐप, तो आपको इसमें अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्री ऐप है, तो इसमें ऐड वगैरह भी आएंगे तो आपको पेशेंस रखना होगा, ऐड आएंगे तो, ठीक है। तो इसका कैसे वर्क करता है इसको आपको थोड़ा बहुत बता रहा है। आपको नीचे रीस्टोर पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रीस्टोर डिलीटेड वीडियोस पे आपको फिर से क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक और यहाँ पे फाइल खुल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एक ऐड आ जाएगा। इसको ऐड को पहले आपको थोड़ा सा देख लेना है, फिर ऊपर में कट का ऑप्शन आएगा, आपको ऊपर से इसको कट कर देना है। सिंपली 5 सेकंड से 10 सेकंड का ये ऐड रहेगा, ज़्यादा देर का ऐड होता नहीं है, तो आपको यहीं से कट कर देना है। जैसे ही आप कट कीजिएगा तो आपके सामने जो स्कैनिंग लेगा, जितने भी वीडियोज़ और फोटोज़ थे वीडियोज़ थे वो यहाँ पे रिकवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 थे वो रिकवर हो गए, शो डिलीटेड फाइल हम इसे क्लिक करेंगे, उसका फिर हमारा ऐड आ गया। कोई नहीं, हमारा ऐड आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 5 सेकंड का ही ऐड है, हम इसे फिर से कट कर देंगे। ये फ्री ऐप है, इस वजह से आप पे ऐड आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे आपका शो कर जाएगा, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है। तो शो कर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, एक एक करके फाइल को सिलेक्ट करना है। एक ही बार में सारे फाइल सिलेक्ट नहीं होंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही बार में सारे फाइल्स हमारे सिलेक्ट हो जाएँ और हमारे सारे बैकअप हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, फिर से उस पर आपको टिक करना होगा, टिक करके रीस्टोर नाउ पे क्लिक करना होगा, तभी जा करके आपका यहाँ पे ये आपके फाइल में जाएगा, नहीं तो ये यहीं पर रह जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली टिक करना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे चेक करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप टिक कर दिया मैंने। उसके बाद हम रीस्टोर नाउ पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा रीस्टोर हो जाएगा। नो थैंक्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। हमको रेटिंग अभी नहीं करना है, फिलहाल हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है अभी, अब ये दूसरे वाले को भी वही सेम प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस में हम भी उस तरीके से रीस्टोर नाउ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फिर से रीस्टोर हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमारा रीस्टोर हो जाएगा। अब हम लोग इसे गैलरी में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके सिंपली हमको क्या करना है, फाइल में जाना होगा, फाइल में जाना होगा वीडियोस चेक करने के। फाइल में जाने के बाद हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीट वीडियो रिकवरी का एक ऑप्शन आ रहा होगा, मैं उस पर क्लिक करूँगा। जो दोनों मैंने वीडियो को डाउनलोड किया है वहाँ से रिकवर से, वो दोनों यहाँ पर आकर सेव हो गए। हम इसे ओपन करके आपको दिखाएंगे, जैसे कि आपके सामने इसे मैं ओपन करता हूँ, और ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग था, तो थोड़ा बहुत स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पर किया था वो है, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में।